दे आर नॉट रेडी टू डू एनी थिंग फॉर मी. सो उस टाइम पे ऐसा लगता है यार क्या कर दूं मैं, मेरे को कोई काम. वेलकम बैक टू माई चैनल इतनी सलाड. एम इस प्यार से आज सब्सक्राइब टू माई चैनल. उन सभी प्यार प्यार लोगों को तहे दिल से शुक्रिया जो लोग मेरी वीडियो देखते लाइक करते शेयर करते हैं एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब किया उन सभी प्यार लोगों को तहे दिल से शुक्रिया. तो आज की मॉर्निंग का डे स्टार्ट हो गया है, मैंने स्टार्ट कर दिया है व्लॉग. मैं जा रही हूँ आज PF ऑफिस, क्योंकि आपने बहुत पहले देखा होगा स्टार्टिंग में जाओगे नीचे की तरफ आपने वहाँ देखा होगा. मैं दो तीन बार पहले भी PF ऑफिस जा चुकी क्योंकि मेरा जो PF का काम है वो हो नहीं रहा है. मेरा पैसा ले लिया सरकार ने और दे नहीं दिया, मतलब मेरे से कोई नौकरी ले ले रहा तो नौकरी नहीं दे रहा, कोई पैसा ले रहा तो पैसा नहीं दे रहा, कोई और सामान ले ले रहा तो वो नहीं दे रहा. यार हद ही, मेरे सारे लोग ना सब कुछ छीने जा रहे हैं. मैं वो समझ नहीं आ रहा गलती कहाँ हो रही है, मैं दे रही हूँ उनको अपने यार या वो मेरे से छीन रहे हैं. खैर छोड़ो. तो अभी मैं पार्किंग में पहुंच गई हूँ. पार्किंग में आई थी स्कूटी लेना, आपको पता ही PF ऑफिस जाए तो स्कूटी से जाना था. बीच में मैंने वीडियो रोक दिया था क्योंकि एक अंकल थे वो मुझे घूर रहे थे, वो कुछ पूछने लगे आपको एक वीडियो बनाते हो रोज रोज क्या मिलता है ये वो. तो फिर मैंने उनको पूरा सिखाया, अंकल यूट्यूब पर वीडियो बनती है फिर थोड़ी देर बाद पैसा मिलता है. कहता आपको तो बहुत मिलता होगा. मैं कहा अंकल हाँ बहुत मिलता है, हमने घर बनाया ना अपना इतना बड़ा मेरे पैसे से बनाए जिसमें हम स्कूटी खड़ी करते हैं. कहे हैं, मैं कहा और क्या, मैं इतना पैसा मिलता है ना मैं संभाल नहीं पा रही बोल के आ गई हूँ. अंकल रोज पूछते जब भी मैं आऊँगे तभी पूछेंगे कल वाली वीडियो का कितना पैसा मिला. मैं अंकल बहुत सारा मिल गया, मैं बता नहीं सकती इतना पैसा मिल रहा है ना, रखने की जगह नहीं हो रही आजकल. तो अभी अभी भी स्कूटी आई, स्कूटी निकालने PF ऑफिस जाएंगे. PF ऑफिस जाके देखते हैं क्या बातचीत करके आते हैं क्योंकि PF नहीं निकल रहा है हमारा. मैं बहुत टाइम से ट्राई करूँ बट PF नहीं निकल रहा है. तो मैं सोच रही कि मैं आज जाकर वहाँ थोड़ी सी लड़ाई वड़ाई करके आएँ, थोड़ा सा उल्टा बोल के आए उनको ताकि वो थोड़ा सा एक्शन ले, क्योंकि जो भी टर्म एंड कंडीशंस हो सकती थी वो मैंने सारी अप्लाई करके देख ली है. मैंने प्यार से गुस्से से हर जगह से बात करके देख ली. इवन दो हमने लीगली भी काम करने का ट्राई किया बट वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. तो दैट्स व्हाई मुझे ऐसे एडवाइस किया गया कि आप वहाँ जाके हंगामा करो थोड़ा सा, तो मे बी वो आपकी बात सुन ले. तो मैं वही करने जा रही, मतलब हंगामा करने जा रही हूँ वहाँ पे. देखते अकेले कर पाते हैं नहीं कर पाते, क्योंकि अकेले थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे उल्टा बोलना या चिल्लाना कहीं ऐसे ना प्लेस पे. तो बट आई विल ट्राई, क्योंकि मेरे को मेरे पैसे तो चाहिए. देखो पैसा ले लिया, दे ही नहीं रहे तो चलो चलते हैं. और हाँ कल मैंने वीडियो बनाई थी आपने देखा होगा माँ दुर्गा वाली जिसमें मैंने उनका मेकअप किया था. तो ये जो आप देख रहे हो ये आई शेडो लगा हुआ, प्लीज़ ऐसा मत सोचना कि मैंने सिंदूर क्यों लगाया हुआ, क्योंकि मैंने आज हेड वॉश नहीं किया, टाइम नहीं था, इसलिए मुझे PF ऑफिस जाना था, बहुत ज़रूरी जाना है, आज ही जाना है. इसलिए मैं सुबह जल्दी जल्दी रेडी वेडी होकर निकल गई हूँ, हेड वॉश करने का टाइम नहीं था. तो मैंने सोचा मैं आके करूँगी इसलिए यहाँ पे लगा हुआ है. तो प्लीज़ उल्टा मत सोचना कोई भी. तो चलो अभी चलते हैं, बहुत बकबक हो गई, चलते हैं और मिलती हूँ थोड़ी देर में. पूरी दावड़ी मोड़ है ना जो मैं वहाँ पर, यहाँ तक मेरे को रास्ता पता था कि आगे ना मेरे को रास्ता नहीं पता, मतलब वक्त लग रही है तो यह इससे आगे ना मेरे को रास्ता पता नहीं. तो अभी मैंने मैप में डाला तो है बट मेरा नेट नहीं चल रहा. तो मैं यहाँ खड़ी हूँ क्योंकि जाऊँ तो जाऊँगे. तो बहुत सारे लोगों ने पूछा PF ऑफिस कहाँ पर, डिपार्टमेंट कहाँ पर, यहाँ पर किसी को नहीं पता. आई एम वेटिंग कि मेरा नेट चल जाए उसके बाद में जाऊँगी. और लेट हो रहा है, बदला गया नहीं हो गया, लंच टाइम जाएगा. मतलब क्या ही दुविधा है, माता रानी क्या ही कर रही है नवरात्रों के टाइम पर, कोई काम नहीं बन रहा. और कोई मतलब है नेट जाने का, जनकपुरी वाले इलाके में दाब पीछे जनकपुरी लगता है सर, यहाँ के इलाके में भी नेट नहीं चलता. तो सबसे हमारे वहाँ हो तो हम सोचते हैं कि ऐसा अमीर लोग रहते हैं बहुत, फिर भी नेट नहीं चल रहा. क्या ही अमीर है लोग, नेट नहीं टावर नहीं लगाए. तो चलो यार मैं नेट चलाती हूँ आगे को जाकर, क्योंकि थोड़ा आगे जाऊँगी तो वहाँ नेट चल जाए. क्या पता आगे जाके नेट चल जाए, फिर मैं देखती हूँ अगर चलता है तो फिर तो घर ही जाना पड़ेगा. यार शिट मैन इतनी दूर आके मुझे घर वापस जाना पड़ेगा. तो मेरे इतना दुख लुक हो रहा है, नंबर यार इतने जाके टाइम खराब हो जाएगा नेट नहीं चलाते, क्योंकि बिना नेट के तो काम ही नहीं कर सकते. चलो मैं नेट चलाती हूँ और देखती हूँ अगर मिल जाता रास्ते चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो घर जाएंगे तो आपको बता देंगे. चलो जी चलते हैं.
जी फाइनली हम पहुंचे हैं पी एफ ऑफिस और अभी जा रहे हैं अंदर। अंदर जाके देखते हैं क्या बातचीत होती है, क्या बोलते हैं वो, क्योंकि उन्होंने तो यही बोलना था हम कुछ नहीं बोल सकते। चार बार आ गए, चार बार वो यही बोलते हैं, तो आज देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जा रही हूँ अंदर अंदर, अगर कुछ हुआ शूट करने वाला तो शूट करूँगी, नहीं हुआ तो फिर बाहर आके आपको मिलूँगी। अंदर लड़ाई कर लेते हैं किसी तरह का। एक जगह से बेइज्जती करा के मैं वापस आऊँगी। अब जा रही दूसरी बिल्डिंग में, मतलब दूसरी साइड वाली जगह पे, वहाँ बेइज्जती कराते हैं। उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, अभी देखना इधर उधर ही करते रहेंगे, उन्होंने कोई काम नहीं कर सकता। मैं ऐसे जाऊँगी आज भी, यहाँ जाना मेरे को अंदर इसमें। तो जी हम निकल चुके हैं, उन्होंने लास्ट टाइम जो मुझे पेपर दिए थे उन्होंने वही पेपर फिर आज दोबारा से दे दिए। इधर से धूप आएगी, मैं सुंदर लगूंगी। तो उन्होंने ये दो पेपर दे दिए। अब बोला अपने स्कूल में जहाँ वर्किंग था वहाँ जाकर एप्लीकेशन लिखो, ये करो वो करो, यही उन्होंने लास्ट टाइम भी तो बोला था, यही उन्होंने अभी भी बोला है। मतलब अभी इनका फुटबॉल का खेल स्टार्ट हो गया, पीएफ वाले उधर फेंकेंगे बॉल और मुझे बॉल समझ के, और स्कूल वाले इधर फेंकेंगे, लेकिन काम कोई नहीं करेगा। तो अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने का कोई फ़ायदा था नहीं। देखते हैं, अब वही है लास्ट ऑप्शन। उन्होंने ये बोला कि आप या तो लीगली काम करो, अगर लीगली हो सकता है तो लास्ट ऑप्शन वही है, उसमें वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है तो उसमें टाइम लगेगा आपको, और इसके अलावा आप स्कूल में एक बार और जा कर के लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हो। मे बी डिपार्टमेंट चेंज हुआ, सारी चीज़ चेंज हुई हो, तो वो लोग आपकी बात सुन ले। तो देखते हैं, कल जाती हूँ मैं स्कूल में, एक बार स्कूल में जाकर बात करता है, अगर मान लेते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर जो लीगल उन्होंने ऑप्शन दिया है मुझे वही करना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन वही है। तो चलो अभी घर चलते हैं, घर जाके मिलूंगी, क्योंकि फ़ोन में हो चुकी है बैटरी ख़त्म और सीधा घर जाऊँगी मैं। तो चलो चलते हैं घर और मिलते हैं आपसे। पहले कुछ खाऊँगी क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही है, 3:30-4 का टाइम हो गया, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो पहले जाऊँगी घर, मतलब पहले जाऊँगी कुछ खाने, उसके बाद घर। सो लवर्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं अभी घर आई थी तो मैंने एडिट किया, फिर मुझे लगा कि मुझे इतना ही डाल देना चाहिए क्योंकि आज व्लॉग गया नहीं है और मुझे व्लॉग अपलोड करना है, और अभी कुछ ज़्यादा कुछ खास करने के लिए है भी नहीं, सिर्फ खाना पीना खाना है। मैं घर आकर मैंने जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे पूरा रेड रेड हुआ था, सिंदूर जैसा लग रहा था, तो मैंने उसको वॉश किया। देन उसके बाद थोड़ी बहुत वीडियोज़ बनाई है, शॉर्ट वीडियोज़ जो आपको एक दो दिन में देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी और ज़्यादा कुछ तो किया नहीं, मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा और आते हुए लेट भी हो गया था मुझे, इसलिए ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। तो आई होप ये वीडियो ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और एक और चीज़, अगर किसी को भी ये बताओ कि पीएफ डिपार्टमेंट में अगर किसी को आप जानते हो, या फिर जो लोग भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप मेरी थोड़ी सी भी हेल्प कर सकते हो कि पीएफ को कैसे अपना जो भी अमाउंट है मैं वहाँ से कैसे रिलीज़ करवाऊँ और कैसे उसको निकलवाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। मैं लास्ट 8 मंथ अराउंड से ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो भी पीएफ का अमाउंट है वो मुझे मिल जाए, बट नाइन जहाँ मैं वर्किंग थी जिस भी स्कूल में, वहाँ का कोई भी डिपार्टमेंट वाले जो भी होते हैं ना, एडमिन वाले या प्रिंसिपल मैम, कोई भी किसी का भी कोई रिस्पांस ही नहीं है। मतलब जो मिस्टेक हुआ है, जो भी एरर है, वो स्कूल की तरफ से है, और स्कूल वाले बिल्कुल भी उसको मानने के लिए रेडी नहीं हो रहे, वो सीधा डिनाई कर देते कि हमारी तरफ से कोई भी मिस्टेक है ही नहीं और हम कुछ कर ही नहीं सकते। इवन दो लास्ट जुलाई जो मंथ था, मैंने पूरे जुलाई के मंथ में 21-22 मेल की हैं, सुबह शाम दोनों तीनों टाइम मैं कॉल कर रही थी, अभी उन्होंने मेरे कॉल भी पिक करना बंद कर दिया। मैंने आज भी उनको कॉल किया था, मैंने कल भी उनको कॉल किया था, बट वो लोग फ़ोन ही नहीं पिक करते हैं। और स्कूल में जाने के बाद जो एडमिन होते हैं वो कहते हैं आप प्रिंसिपल मैम से बात करो, प्रिंसिपल मैम मिलने के लिए रेडी ही नहीं होते। मैं लास्ट टाइम गई थी तो प्रिंसिपल मैम मुझे मिले नहीं थे, जबकि वो स्कूल में ही थे बट वो मिले नहीं थे मुझे। मुझे नहीं पता किस रीज़न से नहीं मिले थे। जब मैं जहाँ भी मैं लास्ट वर्किंग थी वहाँ पर, मतलब जब वर्किंग होते हैं तब तो वो बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और इतने अच्छे से डील करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी थी चीज़ें जब मैं वहाँ वर्किंग हुआ करती थी। बहुत अच्छे से डील किया करते थे टीचर्स को, सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती थी। जैसे ही इम्प्लॉय को आप लाइक हमारी मिस्टेक नहीं है, कोविड आया, सबके लिए कोविड आया, आपने विदाउट एनी रीज़न हमको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया, हमें जैसे एक मेल रिसीव हुआ कि हमने आपको टर्मिनेट कर दिया बिकॉज दे आर नॉट एबल टू पे सैलरीज टू टीचर्स, तो इसमें हमारी क्या गलती है? आपने चलो टर्मिनेट कर दिया, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो जो भी पेंडेमिक था उसमें सबके साथ लॉस हुआ है, हमारे भी लॉस हुआ है, बट उसके बाद तो आप कोई, अगर आपके स्कूल में वर्किंग है या किसी भी कंपनी में वर्किंग है यार, आप एक्स एम्प्लॉय को इस तरीके से परेशान करो, इस तरीके से उसको मतलब
डील ही नहीं कर रहे हो, बात करने के लिए रेडी नहीं हो, जबकि मिस्टेक्स आपके डिपार्टमेंट के थ्रू हुई है, मिस्टेक आपकी तरफ से हो रखी है, देन उसके बाद भी आप इतना ज़्यादा किसी को परेशान कर रहे हो, मतलब समझ ही नहीं आता यार इंसान का क्या ही बिहेवियर है। आप कैसे किसी को इतना ज़्यादा परेशान कर सकते हो, मतलब इतनी मेल्स, इतने कॉल्स, इतने सब कुछ की ट्राई कर लिया, इवन तो मैंने जो स्कूल का स्टाफ, मैंने उनको इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप कर दीजिए, क्योंकि अमाउंट ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पर छोड़ सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा बहुत अमाउंट होता तो हम सोचते भी चल ठीक है कोई बात नहीं, लेटेड भी गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा तो ऑब्वियसली वो सर्विसेज में यूज़ होगा, बट अमाउंट थोड़ा होता तो मैं सोचती भी इस चीज़ को चलो छोड़ देते कोई बात नहीं, बट हम इस बार हम ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है हमें हमारा पैसा तो चाहिए ना, हमारी मेहनत का पैसा है, बट वही है कि पीएफ डिपार्टमेंट ने आज भी मना कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपने कंपनी को ही बोलो जहां आप वर्किंग हुआ करते थे या जो भी एरर है उनकी तरफ से, उनको सिर्फ एक जस्ट मेल लिखना है कि बाय मिस्टेक जो भी एरर हुआ है बाय मिस्टेक हुआ है, उस एक छोटी सी मेल के लिए उन्होंने 8-9 महीने लगा दिए हैं और वो लोग सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं और ना ही वो मुझसे बात करने के लिए रेडी होते हैं। अब मैं कल जाऊँगी तो देखते हैं, अगर कल वो मैम मिलने के लिए रेडी हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं हो जाते हैं लास्ट में यही ऑप्शन है जो यही है। आई नो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, बट यही लास्ट ऑप्शन है, यही करना पड़ेगा, क्योंकि ना जाने मैंने कितने लोगों से हेल्प के लिए बोल दिया, अभी ना ऐसे हेल्पलेस वाला जो होता है ना वो फील होता है यार, कि हम सबकी इतनी हेल्प करते हैं, सब कुछ करते हैं, जब हमारा टाइम आता है ना तो कोई रेडी नहीं होता है हेल्प के लिए, इवन दो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर सकते हैं, स्कूल में भी मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जो चीज़ें कर सकते हैं बट दे आर नॉट रेडी टू डू एनीथिंग फॉर मी, सो उस टाइम पे ऐसा लगता है यार क्या कर दूँ मैं, मेरे को कोई काम के लिए बोले ना अब बताऊँगी मैं, तो ऐसा फील होता है, क्योंकि मेरी हैबिट ऐसी नहीं है कि कोई मुझे काम के लिए बोलता ना मैं मना नहीं कर पाती, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे को आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी चीज़ें करनी पड़ती हैं ना किसी के लिए भी, नॉट ओनली फॉर माई फ्रेंड्स माई फैमिली, किसी के लिए भी करनी पड़ती है ना, तो मुझे ये होता है कि चलो ठीक है यार ठीक है कर देते हो कोई बात नहीं, हमारा क्या ही जा रहा है, किसी से किसी की हेल्प हो जाएगी तो हमारा क्या ही जा रहा है, बट अब मुझे पता चल रहा है कि हमेशा सबके लिए ऐसे सबके सामने ऐसे सर्व नहीं करनी चाहिए चीज़ें, मतलब टाइम के साथ ही चीज़ें समझ आती है, तो मुझे भी वो चीज़ें अब समझ आने लगी कि हमेशा अवेलेबल या हमेशा ना चीज़ें ऐसे सर्व नहीं करनी चाहिए, अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील करा के चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, जो मैंने लास्ट कुछ सालों में की हैं, बट ठीक है टाइम के साथ सीखते हैं, तो मैं भी वो चीज़ें सीख रही हूँ। तो यही था आज के वीडियो में, मैं आपको लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और बहुत ज़्यादा ऐसे ना परेशान हो गई, क्योंकि सीरियसली बहुत बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और ना कुछ भी नहीं मिल रहा, तो मेरे को ना ऐसे गुस्सा आ जाता है और क्या ही है यार। तो चलो अगर आपको कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना, या फिर मुझे कोई एडवाइस अगर आप दे सकते हो कि मैं इस तरीके से अप्लाई करूँ तो आप मुझे प्लीज़ बताना, ताकि थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो चलो मिलते हैं कल के न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।